Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नाला सुपारा की अचूले पुलिस ने एक ऐसे नटवरलाल को गिरफ्तार किया है जो 100 करोड़ से अभी अधिक की ठगी कर चुका है। दरअसल ये ठग जिसका नाम गोविंद सिंह है, इसने पाने साथियों के साथ कई फर्जी कंपनियां बने और उसमें थोड़े पैसे निवेश करवा कर ज्यादा पैसा कमाने का लालच देकर हजारों लोगों से ठगी की। इसकी ठगी की दास्तान न सिर्फ बसरी विरार बल्कि मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कई राज्यों में ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुका था। वहीं इस ठग के चलते कई पीड़ितों के घर उजाड़ गए, किसी का घर छीन गया तो एक की पत्नी ने आत्महत्या तक कर ली। वहीं अचोले पुलिस ने इस मामले में रांची से इस ठग को गिरफ्तार किया है। सर, धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में आरोपी को रांची से पकड़ कर लाया गया है, क्या मामला है? नमस्ते, मेरा नाम रघुनाथ नरोटे है, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अचोले पुलिस स्टेशन। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि कंप्लेनेंट जो है इशरत मैम, इन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट रजिस्टर किया था कि मेरे 30 लाख रुपये, यानी कि गोविंद सिंह नाम का आदमी इन डायरेक्टर इलाइट कंपनी का डायरेक्टर, उसने मैम को ऐसा बोला था, मैम को और बहुत सारे इन्वेस्टर को ऐसा बोला था कि मेरे कंपनी में आप 2,16,000 रुपये इन्वेस्ट करो, आपको हर मंथ 23,250 रुपये रिटर्न्स मिलेंगे। इन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ महीने में उनको रिटर्न्स मिला, लेकिन बाद में रिटर्न्स नहीं मिला। बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे इन्वेस्टर से उसने पैसे लिया और बाद में भाग गया और ये कंपनी जो है बंद कर दिया। बाद में दिल्ली में भागा, झारखंड में भागा, बाद में कंप्लेंट दिया, इसलिए कंप्लेंट रजिस्टर हुआ, हमने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के चलते इसका लोकेशन रांची में मिला हमको इन्फॉर्मर के थ्रू और टेक्निकल मदद के सहायता, तो हमने रांची में उसको रंगेहाथ पकड़ा है। वहाँ पर भी उसने इन्वेस्टर को धोखाधड़ी दे के प्रोग्राम करके वो वहाँ पर भी चीटिंग करने का उसका साजिश था, तो वही सब ने उसको अभी अरेस्ट किया है, न्यायालय के सामने पेश किया है, उसको 4 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिला है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे इन्वेस्टर को कहना चाहूँगा कि आपके जितने भी आपने पैसे दिए हैं उसका सब हमारे पुलिस स्टेशन में आइए, आपका पूरा वेरीफाई करके आपका स्टेटमेंट लिया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। कहाँ रहते हो? वैसे इधर। कितना पैसा आपका इन्वेस्ट है? मैं एजेंट का काम कर रहा था। अच्छा, तो उन्होंने एक अच्छा ऑफर करके हम लोग को बुलाया कि ऐसा काम करो पैसा मिलेगा, तो बहुत सारे लोगों को पैसा हमने उन्हें डाला, जैसे सिंधिया साहब है, उनका एक 4,40,000 उन्होंने डाला, क्योंकि उनको ऐसा बोला है कि आपको इतना लड़की के शादी के लिए बहुत सारा पैसा मिलेगा, आप डाल दो, जबरदस्ती उन्होंने डलवा दिया। और मैं किसी को लिख के दिया था कि भाई तुम्हारा पैसा हम देंगे, कुछ होगा, कंपनी बहुत अच्छी है, वो ऐसा उन लोगों ने बोला कि आप बिंदास लिख के दे दो, कुछ नहीं रहेगा। आज मेरा घर वो तो आदमी ने ले लिया जिसकी आपने गारंटी ली थी। अभी उसको मैं बैंक से लोन लिख। कितना पैसा आपने इन्वेस्ट करवाया था? उसका 2.5 लाख था, लेकिन 2.5 लाख का 3.5 लाख का कर्जा निकाल के उसको दे दिया है, 7-8 महीने का उसको ब्याज दिया, अपना भाड़ा दिया है, मेरा घर में रहता था, उसको खाली किया है और 3.5 लाख का कर्जा निकाला है और उसको विदा कर दिया, बोला चलो जाने तो कि मेरा घर से मेरा। क्या नाम है आपका? रफीक शेख, माइम्बर रहने वालों। मैंने भी यानी 2,16,000 रुपये इन्वेस्ट किया था इलाइट कंपनी में, लेकिन एक महीने पैसा मिला, फिर उसके बाद में पैसा मिलना बंद हो गया, फिर वही हम लोग ऑफिस के चक्कर काटते थे, मैं है, जैसे अली है, सलमान है, हम लोग सब ऑफिस के चक्कर काटते थे पैसे को लेके, तो लोग बोले कि हाँ पैसा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर में ना मेरी वाइफ को और मेरा झगड़ा होते रहता था ये पैसों को लेके, लेकिन एक बार ऐसा हो गया कि मेरी वाइफ ने पैसों की वजह से बहुत बड़ा कदम ले लिया, यानी कदम उठा वो फांसी ले लिया। हम यानी नीलेश वर्मा को कॉल करते थे, शमशेर को कॉल करते थे, गोविंद सिंह राजपूत को भी कॉल करते थे, वो बोलता है अभी हाँ जब जो होने का रहेगा वो होने दो, पैसा तो यानी जब मिलने का रहेगा जब ही मिलेगा। आप ये कहते हो कि जब आपकी वाइफ ने जब फांसी लगाई उसका कारण वह पैसे थे जो ये पैसे ही थे, गोविंद सिंह को दिए थे वही पैसे थे, और लॉकडाउन में भी जैसा आपको लॉकडाउन की सिचुएशन तो पता ही है कि कैसी थी, क्या है यानी क्या हमारा चालू थी, तो यही सब पैसे की वजह से यानी इतना बड़ा कदम उठाई मेरी वाइफ ने।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशरत अफसारी है। क्या मामला है, क्यों यहाँ पे इतनी भीड़ लगा रखी है आप सबने? गोविंद सिंह राजपूत फ्रॉड का मामला है, कई करोड़ मतलब 100 करोड़ से ऊपर घोटाला किया है। अच्छा। इसने तो ये बहुत पुलिस से भाग रहा था, तो सब लोगों का ये लोग का सबका ये घोटाला किया है, इसके लिए आज पकड़ा गया है गोविंद सिंह राजपूत। तो सब लोग आए हैं, सब किस तरह का घोटाला किया गया, किस तरह की धोखाधड़ी की गई आप सबके साथ? ये इस तरह से घोटाला किया, ये कई तरह के कंपनियां बनाते हैं और उसमें सब लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, ब्रेन मोटिवेट करते हैं, बात करते हैं, और लोगों को किसी को पैसा नहीं रहता तो दागिना वगैरह बेचवाते हैं, जमीन बेचवा देते हैं, घर है तो घर भी बेचवा देते हैं, और उस तरीका से उसको सब लोगों को बेवकूफ बना करके फ्रॉड कंपनियां बना करके सबको लेते हैं। कहाँ पे इनका ऑफिस है? इनका कोई ऑफिस नहीं है, फ्रॉड ऑफिस जहाँ इसको बेवकूफ बनाने का रहता है वहीं पे ये ऑफिस बना लेता। कहाँ कहाँ से इस तरह की जालसाजी का धंधा किया जाता है? फर्स्ट तो मुंबई से किया है, दूसरा कोलकाता से, तीसरा यूपी, चौथा रांची और दिल्ली, मतलब देश के कई राज्यों से इस तरह की जालसाजी के धंधे ऑपरेट किए जा रहे हैं। हाँ, पूरा पूरा इंडिया में करीब करीब रंग बदल बदल करके ये कर रहा था। लगभग कितने लोगों को उन्होंने अपनी जालसाजी का शिकार बनाया होगा? लाखों लोगों को लगभग समझ सकते हैं कि पूरा देश भर में ये कंपनियां चेंज कर करके ये कर रहा था, अपना रूप चेंज कर करके, तो लाखों लोग इसमें हो सकता, लाखों भी ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ। और आज मैंने बहुत मुश्किलों से लड़े हैं, आज उम्मीद एक जगह है कि वो पकड़ा गया है। अब इसके लिए नाला सोपारा पुलिस नरोटे साहब मुरली पाटिल साहब को धन्यवाद करना चाहती हूँ, और यहाँ का बहुत सपोर्ट किया है, यहाँ तक के बोलेंगे कि पानी तक के नहीं पी करके उसने आज हमारे साथ में कोशिश में लगे और कामयाबी मिला। आपका कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था आपके द्वारा? मेरा द्वारा तो मेरा जानकारी में तो यहाँ करीब 16-20 करोड़ यहाँ मुंबई से है, मेरा जानकारी मुंबई से 20। हाँ, आपका अपना कितना पैसा था? मेरा अपना पैसा है 35 लाख। 35 लाख। हाँ, मेरा घर का, मेरा रिलेशन मतलब घर का देवर मेरा 75 लाख रुपया है, मेरा घर। आपके घर परिवार का? 75 लाख। आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कब दर्ज करवाई थी? जी हो गया है, आज लगभग 6 महीना हो गया है। हाँ, ये 7वां महीना चल रहा है। अच्छा, पुलिस ने उसे कहाँ से गिरफ्तार किया है? इसको रांची से क्या पुलिस वाले ने करीब 2 बार दिल्ली गए और ये लोकेशन को ही चेंज कर रहे थे, और फिर प्रयास में जब बोलते हैं ना कानून अपना दिखाते हैं तो अपने पुलिस को ही बेवकूफ बना रहा था, तो जब पुलिस वाले ने अपना वर्कआउट किए, हम लोग भी मिल करके साथ दिए, तो इनको रांची में मीटिंग से ही उठाए, ऐसे साथ में कई लोगों साथ में है, यहाँ तक के वहाँ का बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े पुलिस वाले भी और लोग हैं वहाँ का, मतलब बिहार रांची वाले है साथ दिए हैं, बड़ा बड़ा MLA वगैरह भी है इसका साथ है, दे रहे हैं साथ। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, क्या आप सबको उम्मीद जगी है कि आपका पैसा वापस आ पाएगा, न्याय मिल पाएगा? जी, हमें तो भरोसा है अपना महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर में, हमें अन्याय दिलाएंगे, और मैं पूरा उम्मीद सब लोग को जगा है।